Assalamu alaikum class, I hope you all are good. Okay class, as you already know कि हमने वर्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, आज हम बुक वर्क स्टार्ट करेंगे. ओके लेट्स डू इट. आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम, आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी. अब ये एक लाइन दी गई है हमें पोएम से. अब हमने क्वेश्चंस जो हमें बताए गए वो इस लाइन के हिसाब से, इस पोएम की इस लाइन के हिसाब से हमने बताना है कि आंसर उसका क्या होगा. हु इज़ टॉकिंग अबाउट हुम, इस लाइन में कौन किसकी बात कर रहा है. आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी, द पोएट पोएट बात कर रहा है. इज़ टॉकिंग अबाउट द प्लेमेट, पोएट किसकी बात कर रहा है, प्लेमेट की. व्हाट रीज़न डज द स्पीकर गिव फॉर विशिंग दिस, क्या वजह थी कि स्पीकर जो था जो बात कर रहा है उसने ये ख्वाहिश जाहिर की. बिकॉज द प्लेमेट लुक्स सो वेरी काइंड एंड स्माइल्स बैक, क्योंकि वो जो प्लेमेट था वो उसे बहुत मेहरबान नज़र आ रहा था और उसकी तरफ देख कर स्माइल भी करता था. ओके व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर, यहाँ पे कुछ ये वर्किंग विद वर्ड्स है और ये जो हमने बताया हम ये हमें सेंटेंस दिया गया, हमने इससे आइडिया लगाना है कि किसके बारे में बात हो रही है. ए है समथिंग विच ग्रोज एंड हैज़ लीव्स एंड ब्रांचेस, वो कौन सी चीज़ होती है जो कि उगती है और जिसकी ब्रांचेस पे टहनियों पे पत्ते लगे होते हैं, क्या होता है वो, आर ट्री. समथिंग मेड ऑफ लेदर विच गोज ऑन द फीट, कुछ ऐसा जो कि लेदर से चमड़े से बना होता है, हम उसे पाँव में पहनते हैं, क्या होता है, शूज़ होते हैं, बूट्स होते हैं, सैंडल्स होती हैं. समथिंग टू मेक क्लॉथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग देम, वो क्या है जिसको हम जब कपड़े धो लेते हैं तो फिर हम कपड़ों को किससे सीधा करते हैं, एन आयरन, इस्त्री से. सम पीपल वेयर दिस ऑन देयर नोज़ेस टू हेल्प देम टू सी बेटर, कुछ लोग अब इसे अपने नाक पे पहनते हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह नज़र आए, क्या होता है वो, अ पेयर ऑफ ग्लासेस स्पेक्टिकल्स यानी ऐनक. वर्ड्स द डिफरेंस, ये वर्ड्स दिए गए हैं कि बोलने में तो ये एक जैसे हैं लेकिन लिखने में और इनके मीनिंग्स अलग हो जाते हैं. वंडर वेंडर, वंडर का क्या मीनिंग होता है, सरप्राइज. वेंडर क्या होता है, टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है आगे नेक्स्ट है साइट, साइट क्या होता है, द एबिलिटी एबिलिटी टू सी. और ये दूसरा साइट क्या होता है, प्लेस जगह. पडल्स शैलो पूल्स ऑफ वाटर, और दूसरा पैडल्स क्या होता है, शॉर्ट ओर्स ओ ए आर एस ओर्स. ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट हम इसकी तरफ आ जाते हैं. यूजिंग द एंड एन, ये आर्टिकल्स है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और एन भी आर्टिकल्स हैं. नोट दैट वी यूज़ द बिफोर नाउन सेट अप फेमिलियर और हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी, द जो है हम वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं या किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम पहले ही जिसका हम तारुफ करवा चुके होते हैं. एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, वी वेंट टू सी अ फिल्म, द फिल्म वॉज एक्साइटिंग. वी वेंट टू सी अ फिल्म, यहाँ पर आर्टिकल आ गया अ फिल्म, और यहाँ जब हम अब फिल्म नाउन है तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द द फिल्म वाज एक्साइटिंग. वी आल्सो यूज द व्हेन द नाउन वी आर स्पीकिंग अबाउट इज द ओनली वन और वन दैट इज़ वेल नाउन, द जो है वो हम तब भी यूज़ करते हैं कि जब हम किसी नाउन के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है, वन है, वो बस वाहिद ही है और उसके बारे में हमें पता है और उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. एग्जाम्पल द कंटिनेंट ऑफ एशिया, द सी, द स्काई, द डॉक्टर, द पोस्ट ऑफिस. वो यूजली यूज़ द बैंक, इन सब के साथ ये जो है इनके बारे में हमें मालूम होता है अच्छी तरह, इनसे पहले हमने क्या लगाया, द, तो ये डेफिनेट आर्टिकल इन चीज़ों से नाउन से पहले यूज़ हुआ है. ठीक है अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अ एंड और द. डू यू नो व्हाट ब्लैंक ऑस्ट्रिच इज, एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है वो और यानी कि वोवल से स्टार्ट हुआ तो हमने उससे पहले एन लगा दिया आर्टिकल, कौन सा, एन. इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड, इट लिव्स इन अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. इन ऑस्ट्रेलिया देर इज ऑल्सो एन एनिमल कॉल्ड द कैंगरू. अब ये कैंगरू, कैंगरू के बारे में पहले से पता है इसलिए हमने कैंगरू से पहले क्या लगा दिया, द. द कैंगरू इज़ द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड, कैंगरू जो है ना वो चलता है तो जंप करते हुए चलता है. इट कैन जंप ओवर अ फेंस 10 feet हाई. ठीक है
यहाँ एक एक्टिविटी है, ये आप अपने घर में बैठ के खुद करना है, ये बड़ा मज़े की है। वॉट आर दीज वर्ड्स, ये आपको जो वर्ड्स दिए गए हमें इस तरह पता नहीं चल रहा, लेकिन आप ये अपनी बुक पकड़ना और इसको शीशे के आगे लेके खड़े होना और इनको शीशे के आगे करना और फिर शीशे पे देखना, तो आपको नज़र आएगा शीशे में कि वर्ड्स क्या है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।